बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी उपस्थित हैं। बहुत ही कर्मठ मजबूत इच्छा शक्ति के नेता माने जाते हैं। पूरे गांधी मैदान को भरने का श्रेय इनको जाता है बहुजन मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम में। और ये 5 तारीख को पप्पू यादव के साथ गठबंधन कर रहे हैं। इनकी पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है, खुद मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश सरकार के विरुद्ध 8 तारीख को ये धरना पर बैठने जा रहे हैं। गंदनी बात इनका जो विषय है, हजार बच्चे हैं जिन्होंने 4 साल कड़ी मेहनत की और वैसे माता पिता के बच्चे हैं जो गरीब हैं, निर्धन हैं, कमजोर हैं, तभी तो नीतीश कुमार जी को दबाने में कामयाब हो रहे हैं, तभी तो नीतीश कुमार जी के सर पे जूं नहीं रह गई, तभी तो ये नीतीश सरकार है जो उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो निर्धन गरीब और कमजोर माँ बाप के बच्चे हैं, उनमें करोड़पति या किसी नेता के बच्चे नहीं है। लेकिन जब तक जौहर आजाद है उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो सकता। जौहर आजाद जी, मगध विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या कभी आपकी बात हुई है? उन सब से संपर्क किया गया है, बच्चे मगध विश्वविद्यालय में हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, वीसी को कई बार उन लोगों ने मुलाकात की है और वीसी उनको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो नीतीश कुमार जी के अंग हैं, उनके आदेश के अनुसार चलते हैं। कितने तारीख को आप नामांकन करेंगे मुजफ्फरपुर लोकसभा में? वैसे तो मुजफ्फरपुर में 10 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन मेरे लिए चुनाव से बढ़कर इनके 86,000 बच्चों का भविष्य मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। मैं नहीं बता सकता हूँ कि मैं नॉमिनेशन कब करूँगा, लेकिन हाँ नॉमिनेशन ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं फिर भी 86,000 बच्चों के लिए आंदोलन करता रहूँगा। ये मुजफ्फरपुर की जनता प्रचार और प्रसार और जीत और हार को तय करेगी, ये उनको वहाँ की लोग ही तय करेंगे। जौहर आजाद जी का मानना है कि मैं पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना दूंगा और 86,000 जो मगध विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बच्चे जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं वो मुजफ्फरपुर में चुनाव इनकी कमान को संभालेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं उनसे ये आशा बिल्कुल नहीं करता हूँ कि मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ तो वो मेरे लिए चुनाव प्रचार करें। मैं निष्पक्ष भाव से पूरी ईमानदारी के साथ उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाना चाहता हूँ और ये नीतीश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये देश भारत जो है युवाओं का देश है, 60% हमारी आबादी है, जिस दिन हम सड़कों पे आ गए संभाल नहीं पाएंगे। जौहर आजाद जी का मानना है कि ये बच्चे भाजपा का जाले भी गए, तेज प्रताप के पास भी गए, कहीं से कोई प्रकार का मदद उन लोगों को नहीं मिला आश्वासन के सिवाय, इस पर आप क्या कहते हैं? साहब, शिक्षा पे ध्यान ही नहीं है सरकार का, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार शिक्षा पे विफल है। 86,000 बच्चों को पार्ट 1 का और पार्ट 2 का रिजल्ट दे दिया जाता है, हाईकोर्ट उससे कहती है कि पार्ट 3 का एग्जाम लीजिएगा, तो कोर्ट का भी वो सम्मान नहीं दे रहे, तो देशद्रोही का सर्टिफिकेट तो दे देते हैं। देशद्रोही का सर्टिफिकेट इनको नहीं लगना चाहिए कि आप अवहेलना कर रहे हैं हाईकोर्ट का, आप 86,000 बच्चों को अंधकार में ढकेल रहे हैं। जो बच्चे हमारे बिहार के UPSC में कम्पीट करते हैं उन बच्चों को आप स्नातक तक की डिग्री देने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं और नए अलायंस के महागठबंधन के भी नेता हैं, उनकी जो चुनावी तैयारी चल रही है, जो प्रचार कर रहे हैं, कल उनके मामा और उन लोग आरोप लगा रहे हैं उनके भाई तेज प्रताप यादव जो है कि जहाज लोग केक काटते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई वो चूंकि बड़े पले हैं काजू और किशमिश और बादाम खाकर और वही प्रथा में वो चले हैं केक काटना और केक बांटना, लेकिन सड़कों पर आने के लिए तेजस्वी को तो भी मैंने नहीं देखा कि किसी अन्याय के खिलाफ आंदोलन किया। राजनीति उनको तोहफे में मिली है, अब देखिए उस तोहफे को वो संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते हैं। तेजस्वी का भविष्य किस प्रकार देखते हैं आने वाले चुनाव के बाद? जिस तरह से वो युवाओं से दूर है, जिस तरह से बिहार की जनता से दूर है, मुझे नहीं लगता है कि उनका भविष्य बहुत अच्छा। अगर भविष्य बनाना चाहते हैं तो 86,000 बच्चों के लिए मेरे साथ वो अंचल पे आकर बैठ जाए, भविष्य बेहतर होगा। जौहर आजाद जी का मानना है कि 86,000 बच्चों के समर्थन में तेजस्वी यादव खुद धरना स्थल पर पहुंचे और बच्चों का समर्थन करें, उनके न्याय की लड़ाई लड़े, लेकिन कहीं कोई न्याय नहीं है। इनसे और विषय है जिसपे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मोदी का कहना है कि 3 तलाक से महिलाओं को मैंने स्वतंत्रता दिलवाई, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, 3 तलाक से स्वतंत्रता दिलाने की बात होती है तो बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गए, पहले उनको इंसाफ दिला दे। और 3 तलाक जो है वो शरीयत में इसलिए है कि औरत की अस्मत बच सके, अपने
आराम से बिना किसी बदनामी के तलाक हो सके, और तलाक तो कोर्ट से भी होगा, क्या कोर्ट से वो मोदी जी तलाक को रोक देंगे? कभी नहीं रोक पाएंगे। कल जौहर आजाद जी फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा, जो वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि कश्मीर में प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए, क्या इससे आप सहमत हैं? उमर अब्दुल्ला की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है वहाँ, लेकिन मैं बात करने, चर्चा करने के पक्षधर में हूँ। वहाँ से के लोगों से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जितना कश्मीर हमारा है उतना ही कश्मीरी भी हमारा है। बच्चों के समर्थन में जौहर आजाद शहादत दे देंगे, यह बिहार के प्रमुख नेता हैं।